हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। रुद्राभिषेक यानी भगवान शंकर के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है, चाहे वह दुग्ध से हो चाहे वह जल से हो, इसे ही हम रुद्राभिषेक कहते हैं। तो रुद्राभिषेक के बाद भगवान के ऊपर षोडशोपचार से पूजन का विधान दिया गया है और बिल्वपत्र शंकर भगवान को अति प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र निश्चित रूप से अर्पण करना चाहिए। अब 108 की संख्या में ही बेलपत्र अर्पण करना चाहिए, जिसमें कि 108 बेलपत्र में राम राम लिखा हो, तीनों पत्ते में, तीनों दल में यदि आप राम राम लिख करके 108 बेलपत्र भगवान को अर्पण करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। 108 ही क्यों, इस विषय में है। 108 जो है, सबसे पहली बात है कि ये 1, 0 और 8, ये तीन जो है 8 और 1, 9 यानी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बनता है 108। और दूसरी बात है, 1 ईश्वर का प्रतीक है, 0 जो है वह पूर्णतया का प्रतीक है और 8 जो है वह अनंत भगवान का प्रतीक है, इसलिए 108 है। तीसरा कारण है कि 108 उपनिषद हैं, इसलिए सभी उपनिषदों की संख्या को मान करके 108 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। चौथी बात है कि भगवान के 108 नाम हैं, 108 नाम से प्रत्येक नाम से एक एक बेलपत्र अर्पण करने का भी विधान है। और 108 का पांचवा कारण है हर 27 नक्षत्र होते हैं। यह जो संसार चलता है वह नक्षत्र के हिसाब से चलता है, तो नक्षत्र 27 हैं, इसको चतुर्गुण करने से 108 की संख्या होती है। जितनी भी संख्या है वह पूर्ण संख्या 108 होता है, इसलिए माला में भी 108 दाना ही रहता है। 27 नक्षत्र को 4 से गुना करने पर 108 होता है, इसलिए शंकर भगवान को हर तरह से 108 की संख्या अति प्रिय है, इसलिए 108 बेलपत्र भगवान को अर्पण किया जाता है।